अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपने गूगल या क्रोम दोनों में से किसी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने जावा अपडेट डॉट पी के पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी हैं। इनमें से आप किसी भी मतलब ऐप को चलाते हैं तो आप जो है ना ऐड हो सकते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा आज कौन सी वैकेंसीज आई हैं और कैसे आपने अप्लाई करना है। पीपीएससी की जॉब्स आई हैं, वो हैं 187 टोटल। तो आपने कैसे अप्लाई करना है ये तरीका आपको बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले आपने वेबसाइट जॉब अपडेट और पी के पे क्लिक के सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने पीपीएससी ओपन हो जाएगा। 190+ जॉब्स हैं, पंजाब पुलिस से हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट अदर डिपार्टमेंट से हैं। और जो है ना आप ये सोर्स जो है एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पे आई है, मतलब ऐड जो आया इसका एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पे है। लोकेशन पंजाब है, मतलब पंजाब में किसी भी ज़िले में किसी भी तहसील में आपको हायर किया जा सकता है। और हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है। एजुकेशन जो उन्होंने रिक्वायर की हुई है, मतलब क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए PhD, MBBS, मास्टर, MA, LLB, BA, BSc। और ये टाइप जो है गवर्नमेंट जॉब है और इसकी लास्ट डेट जो है 23 अगस्त है 2021, मतलब इसी महीने की लास्ट डेट है 23। और इससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है और ये ऑनलाइन अप्लाई होता है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और आपने कैसे अप्लाई करना है इनके जो है ना मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है, उधर जाकर आपने अप्लाई करना है। ये देखें, इधर बताया गया है कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और कितनी वैकेंसीज़ हैं। ये लेक्चरर की है, उसकी 5 है। मास्टर डिग्री चाहिए। सीनियर ऑफिसर की 18 वैकेंसीज़ हैं। PhD चाहिए। और असिस्टेंट इंजीनियर की है 1, BSc इंजीनियर। और ये मुख्तलिफ जॉब्स हैं और 187 टोटल जॉब्स हैं। आपने अप्लाई कैसे करना है इसका जो है ना चलान फॉर्म भी है, मतलब ऑनलाइन अप्लाई होना है। आपने इनके ऑफिशियल वेबसाइट है उधर जाकर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपने जो है अप्लाई नो पे क्लिक करना है। अप्लाई नो पे जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपने उधर सिर्फ क्लिक करना है। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पर सब इंजीनियर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इसकी फ़ीस 600 रुपया है, मतलब चलान फी। आपने सब इंजीनियर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। इससे आपने आई हैव रेडी एंड अंडरस्टूड दिस, मतलब आप इसे जानते हैं। और फिल अप फॉर्म आपने इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर आपने लिखना है कि मैं कंफर्म हूँ, मैंने अप्लाई करना है ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई करने के लिए ये देखें, अब सब कुछ आपके सामने है। आपने अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर देना है और विदाउट डैश, मतलब यहाँ पे डैश के साथ देना है, इधर विदाउट डैश देना है, मतलब दरमियान में डैश नहीं डालनी। और अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हेयर, मतलब फिल करने के बाद आपने इधर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। आपने फिर चलान फॉर्म कैसे निकालना है, इधर से डाउनलोड चलान फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने चलान फॉर्म ओपन हो जाएगा। चलान फॉर्म ओपन होने के बाद आपने इसे फिल अप करना है। फिल अप करके जो है ना आपने जो बैंक इन्होंने बताया हुआ है उस बैंक में चलान फॉर्म जमा करवा देना है। और इसकी फ़ीस जो है 600 रुपया है, तो आपने ये फ़ीस लाजमी देनी है ताकि आपको उनका मैसेज आ सके। ये थी वैकेंसी जो पीपीएससी की तरफ से आई थी। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका था वो मैंने बता दिया आपको। आपने जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है आपने जस्ट उधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। आपने अपना CNSE नंबर लगाना है, शिनाख्ती कार्ड नंबर मतलब, और अपना नंबर, फ़ोन नंबर जो आप यूज़ करते हैं वो, और जो है ना आपने अपने ईमेल एड्रेस जो आप यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें वो लिखनी है जो आप यूज़।
आपने जो आपने इंफॉर्मेशन देनी है आपने वो करेक्ट देनी है, ताकि अगर आपको उन्होंने मतलब मैसेज करना है, मैसेज आना है, वो आपके नंबर पे आएगा और वो वाला नंबर दीजिएगा जो हर टाइम एक्टिवेट होता है। तो ये थी वैकेंसीज जो पीपीएससी की तरफ से आई थी, तो आपको ये तरीका भी मैंने बता दिया है कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी किया करें, ताकि आपके फ्रेंड्स के पास भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी देख के अप्लाई कर सकें, उनको भी फ़ायदा पहुंचे। थैंक यू सो मच।